लोकसभा चुनावों में भाजपा ने घोषित प्रत्याशियों को अब संबल देने का काम शुरू कर दिया है। लोकसभा विजय संकल्प को लेकर के भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक में प्रत्याशियों को बुलाकर के जीत का मंत्र दिया गया। साथ में प्रत्याशियों को बीजेपी का संबल दिया गया। पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने प्रत्याशियों को संबल दिया। संबल मिलने के बाद में प्रत्याशी शुभ मुहूर्त के साथ में नामांकन दाखिल करेंगे। टोंक सवाईमाधोपुर से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया 8 अप्रैल को और बीकानेर से प्रत्याशी 17 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू होने वाली होती है तो वो सिंबल जो अधिकृत एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है उसके लिए होता है वो आज हमें दिया गया पार्टी कार्यालय में जयपुर में। मैं 17 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने वाला हूँ। देखिए, जिस हिसाब से हमारी कोई अपनी नाते थी वो सबको हमने रखा है भाई, ताकि कैसे चुनाव को जीता जाए और जो जो समस्या आ रही थी उन समस्या को हमने बताया कि इसमें थोड़ी और मत पार्टी की तरफ से मदद हो, ताकि सबको इकट्ठा जोड़ गए चुनाव जीता जाए। चुनाव है और उसके लिए पार्टी ने जो जो आदेश दिए हैं ऐसे ऐसे काम करो, उस सब में हमें आदेश मिले। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।